आगे बात कर लेते हैं मोलस्कस की, यानी कि जो हमने एक नाम दिया था सीपी, उस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं कि इस ग्रुप में क्या डिफरेंस है, क्या स्पेशलिटी है, बात कर लेते हैं। ये भी जो है मोलस्कस, इसका ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का है, यानी कि इनके पास भी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके पास सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, नो बोन्स, हड्डियां नहीं होती इनके पास। अच्छा, अगर आप अभी तक नोट करें तो हमने इसमें किसी के पास भी बोन्स के बारे में बात नहीं की, ठीक है। कोई इनका स्केलेटन नहीं है इनके बॉडी के पास, इनकी बॉडी जो है एक प्रोटेक्ट हुई भी होती है, यानी कि महफूज होती है इसमें एक हार्ड शेल में। सीपी को अगर देखें आप तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग के अंदर वो कीड़ा रहता है जिसकी सॉफ्ट बॉडी होती है और उसके पास जो है लेग्स नहीं होती, सॉरी इधर मैंने बोन लिखना था, लेग्स नहीं होती। उस हार्ड शेल के अंदर ये सीपी या वो कीड़ा जिंदा रहता है, ग्रो करता है। ऑक्टोपस मोलस्कस की एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है जिसके पास शेल नहीं है। अगर हम ऑक्टोपस के बारे में बात करें, उसके पास भी उसकी बॉडी में कोई हड्डी नहीं है, उसके ऊपर कोई शेल भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैशी सा है, मतलब सिर्फ गोश्त ही गोश्त है। वो भी मोलस्कस की ही कैटेगरी में आता है, मोलस्कस की ही टाइप है, लेकिन बस उसके पास क्या डिफरेंस है, उसके पास बॉडी के ऊपर शेल नहीं है, कोई कवर नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। ज्यादातर जो है मोलस्कस वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, और कुछ मोलस्कस जमीन पर भी रहते हैं, मोस्ट लिव इन वॉटर। सम ऑन लैंड, कुछ जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है। मोलस्कस के बारे में बस ये। इसी तरह से अगर आप अपनी कॉपी में चार्ट बना के ड्रॉ करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट जो ग्रुप बचा है वो किसका है, आर्थ्रोपोड्स का है। आर्थ्रोपोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर्थ्रोपोड्स जैसे मैं आपको बताया था कि इनकी बॉडी पे क्या होता है, एक्सटर्नल कवर होता है, एक्सटर्नल कवर होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि क्रैब ले लेते हैं, केकड़ा, या ले लेते हैं हम बटरफ्लाई ले लेते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए हम ये ग्रुप स्टडी करेंगे। इन ग्रुप्स में क्या है कि इनके पास एक तो ज्वाइंटेड लेग्स होती है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पॉड्स में होता है लेग्स, ठीक है, पॉड्स लेग्स। इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, जॉइंटेड लेग्स के बारे में बात करेंगे, जॉइंटेड लेग्स होती हैं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई की जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, उनकी बॉडी से ही जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी में से इस तरह से लेग्स निकल रही होती हैं, ठीक है, जॉइंटेड होती हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं इनकी। आगे देख लेते हैं कि इनकी बॉडी जो है सेपरेट होती है किन सेक्शंस में, एक हार्ड कवरिंग एक्सोस्केलेटन में, बॉडी किसमें होती है डिवाइड, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इनमें थ्री सेक्शन में, इन तीन हिस्सों में इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है। इनकी बॉडी जो एक्सटर्नल कवरिंग के साथ है, उस एक्सटर्नल कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उस एक्सटर्नल कवरिंग को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। अगर हम अपने स्केलेटन की बात करें या अपने हड्डियों के ढांचे की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे हम एक्सकेलेटन भी कहेंगे, स्केलेटन के अलावा हम कहेंगे इंटरनल स्केलेटन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड ही रखते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो मींस होता है बाहर, स्केलेटन मीन होता है ढांचा या कवरिंग।
तो ये स्केलेटन कहाँ का है? एक्सो बाहर का स्केलेटन है, बाहर के स्केलेटन की बात कर रहे हैं, बाहर की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। इनकी बॉडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और जो है इनकी इनकी बॉडी के पास एक दो या फिर तीन पेयर हो सकते हैं किसके, लेग्स के। ये एक पेयर हो गया, पेयर कहते हैं जोड़ी को, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। इसी तरह से दोनों तरफ के हम बात करेंगे, दो तीन, इस तरह से जितने भी इनकी बॉडी के हिसाब से या नंबर ऑफ लेग्स जो भी होंगी उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि एक पेयर है बॉडी के पास लेग्स का, दो है या तीन है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन एक और टाइप है आर्थ्रोपोड की, जिसे हम कहते हैं आर्केनाइड्स। आर्केनाइड्स क्या होते हैं? आर्केनाइड्स के पास जो है वो कितनी लेग्स होती हैं? एट लेग्स होती हैं। एट लेग्स, ठीक है, एट लेग्स होती हैं आर्केनाइड्स के पास। आर्केनाइड्स के पास बाकी इनके पास तीन तीन लेग्स होंगे, सॉरी छह लेग्स होंगे या तीन पेयर होंगे। बाकी आर्केनाइड्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास एट लेग्स होती हैं, यानी कि आठ टांगे होती हैं। इनवर्टिब्रेट का कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं पर भी हमने बैकबोन के बारे में जिक्र नहीं किया। बैकबोन अगर होती तो ये कॉलम या ये ग्रुप किसमें ट्रांसफर होता? वर्टिब्रेट से पास होता। इसके पास बैकबोन नहीं है, हमने यही बात स्टडी की है। आगे हम बात करते हैं वर्टिब्रेट के बारे में। वर्टिब्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे, देख लेते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट के बारे में, ठीक है, यानी के वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है, बैकबोन वाले एनिमल्स, ठीक है। हम साइड में लिख लेते हैं कि हमने इनको किन कॉलम्स में या किन ग्रुप्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने इनको फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फाइव ग्रुप्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला था फिश, यानी कि मछली वाला ग्रुप था। एम्फीबियंस, वो ग्रुप जो डुअल नेचर के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि दो तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं या दो फेज में गुजारते हैं। तीसरे थे रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जानवर। चौथे बर्ड्स, यानी कि परिंदे। और लास्ट वन थे मेमल्स, यानी जो हमसे थोड़ा रिजेंबल करते हैं वो वाला ग्रुप है लास्ट वाला, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं फिश के बारे में, यानी कि मछली के बारे में। इसमें एग्जाम्पल जहां जहां नीड होगी मैं वहां दूंगी। अब मैं फिश में आपको क्या एग्जाम्पल दूं, मछलियों के नाम तो नहीं बता सकती, तो फिश को ही जहन में रखते हुए हम ये पढ़ेंगे कि मछली के पास क्या फीचर्स होते हैं। पहले तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं बॉडी के। जिस तरह से अगर बॉडी है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है मछली की, उसके ऊपर इस तरह से स्केल्स बने हुए होते हैं। अगर आपने मछली देखी हो बिल्कुल, तो उसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से कुछ स्केल्स होते हैं, तो मछली के पास स्केल्स होते हैं। कोई भी मछली पानी में रहते हुए सांस कैसे लेती है? थ्रू गिल्स, यानी कि अपने यहाँ पे एक इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। आप कभी साबुत मछली लेकर, मतलब जो बिल्कुल साफ ना हो, उसको आप लेकर देखेंगे, इस तरह से एग्जामाइन करेंगे तो उसके ऊपर आपको स्केल्स भी नजर आएंगे, और इधर एक कटा हुआ सा भी निशान दिखेगा। आप उसको थोड़ा सा खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, गिल्स होंगे, जिसके जरिए कोई भी मछली सांस लेती है। आगे मछली जो एग्स ले करती है, यानी जो मछली अंडे देती है, उसमें से जो यंग वन हैच होता है उसे कहते हैं स्पाउन, ठीक है, स्पाउन कहते हैं उसको। सेकंड, ये मूव कैसे करती है, यानी कि चलती फिरती कैसे है पानी में, विद द हेल्प ऑफ फिन्स कॉमा टेल्स। इसकी मदद से मछली मूव करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्फीबियंस के बारे में, यानी डुअल नेचर जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं।
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब बता देती हूँ कि डुअल नेचर क्या है। अर्ली स्टेज पे अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज पर, मतलब जब मेंढक की एग्जांपल ले लेते हैं, जब मेंढक जो है एग ले करता है पहली बात, तो पानी में एग ले करता है, पानी में जाकर अंडे देता है, और उसमें से जो यंग वन हैच होता है, जब तक कि उसका यंग स्टेज वाला टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि वो छोटा है, वो किस तरह से ब्रेथ करेगा, मछली की तरह अपने गिल से ब्रेथ करेगा, कब तक? यंग स्टेज तक। इधर लिख देते हैं यंग स्टेज, ताकि आप मिक्स ना कर दें, ठीक है। यंग स्टेज में वो गिल से ब्रेथ करेगा, जैसे ही वो यंग स्टेज से ऊपर आता है तो वो किससे ब्रेथ करता है? वो ब्रेथ करता है लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से एडल्ट स्टेज पे। गिल्स वाली स्टेज पे वो कहां पर रहता है? वो पानी में रहता है, ठीक है। और लंग्स वाली स्टेज पे वो कहां आ जाता है? वो आ जाता है लैंड पर, यानी कि जमीन पर। मैंने आपको बात बताई कहां एग ले करते हैं, ये एग ले इन वॉटर, पानी में एग ले करते हैं। इनके भी यंग वन जो नए नए जो है हैच आउट होते हैं, वो उसे हम भी क्या कहते हैं? उसे भी हम स्पाउन कहते हैं। एम्फीबियंस की बॉडी कैसे होती है? मॉइस्ट होती है, यानी कि थोड़ी सी गीली सी होती है, नमी होती है उनकी बॉडी पर। किस वजह से होती है? क्योंकि उनकी बॉडी पर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। वो उनकी बॉडी को एक तो मॉइस्ट रखता है, यानी कि नरम रखता है। दूसरा उस वो जो है ये म्यूकस या ये सब्सटेंस जो है उनकी प्रोटेक्शन करता है। अगर कोई अगर हम किसी मेंढक को पकड़ते हैं तो वो बहुत स्लिपरी होता है, फिसल जाता है फौरन से। किस वजह से? उस म्यूकस की वजह से। कहीं ना कहीं वो म्यूकस जो है उनकी बॉडी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत कर रहा है उनकी। इस तरह से ये वाला, ये इन दो चीजों की वजह से एम्फीबियंस को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस को हम डुअल नेचर कहते हैं, यानी वो अपनी जिंदगी दो तरह से गुजार रहे होते हैं।